तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के लिए आपके लिए आ चुका है न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में बताएंगे जो मेंटिस प्रो माउस है इसका गाइस एक्टिवेशन कैसे करते हैं, वो भी सिंगल मोबाइल से। तो बिना किसी देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बता दूँ गाइस, ये सिंगल मोबाइल एक्टिवेशन है, ये ओनली एंड्रॉयड 11 12 और उससे ऊपर वाला जो एंड्रॉयड 10 9 8 है उसके लिए ये सेटिंग नहीं है। और उसको उनको करना है मोबाइल टू मोबाइल, वो वीडियो भी जल्दी हमारे चैनल पर आने वाली है और पीसी वाले भी जल्दी हमारे पास चैनल पर आने वाली है। तो इस वीडियो को बिना तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है आपको, आपको अपना वर्जन चेक कर लेना एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, ठीक है। इसमें सेटिंग में चले जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद आपको करना क्या है, गाइस दिखाता हूँ आपको। आपको अपना वर्जन चेक कर लेना सबसे पहले बता। जैसे मैंने चेक किया मेरा एंड्रॉयड 11 है गाइस, ठीक है ना गाइस। मेरा इससे ऊपर है इसलिए सिंगल मोबाइल से मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेना, नहीं डाउनलोड कर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है गाइस। ओपन हो रहा है आपके सामने, देख सकते हो गाइस। या आपको वीडियो गाइड शो करनी है, हमको पता है इसलिए हम शो नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। नीचे कर देते हैं ओके। देख सकते हो गाइस एक्टिवेशन नहीं की, आपके सामने एक्टिवेशन करके दिखाते हैं। तो बिना किसी तरीके वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक्टिवेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं देख सकते हो गाइस सीधे मेरे आ चुका है, क्योंकि मेरा एंड्रॉयड 11 है आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो गाइस सबसे पहले इनेबल की परमिशन मांग रहा है, अलाउ डिस्प्ले पर अनेबल की कर देना गाइस, करके दिखाते हैं आपको लाइव प्रूफ। तब तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो गाइस, ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, आपको मेंटिस प्रो का गाइस अलाउ कर देना है इसको डिस्प्ले पे, ओवरऑल गाइस अलाउ कर दिया। इसके बाद आना है बैक गाइस, बैक आ जाते हैं। उसके बाद आपको गाइस नेक्स्ट जाकर फिर से इनेबल करना है। अगर आपका गाइस अलाउ सेटिंग है तो कर दो, नहीं तो मेरा तो करने वाला है इसलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको इनेबल करके। अगर मेरा होगा भी तो मैं आपको पता लग जाएगा ना। नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, आपको देख सकते हो नीचे आ जाना है और दिखाता हूँ गाइस आपको मैं लाइव प्रूफ। ये देखो गाइस मेरा तो अलाउ हुआ, आपका नहीं हुआ तो आप लो करना है, देख सकते हो सेटिंग देख लो। तो आप इसको गाइस गलती से ऑन कर दिया, बैक आ जाते हैं। इसको गाइस कर देते हैं, हाँ ये हमारा ऑन है, मार्क डन, ठीक है गाइस ओके कर देते हैं। अब किसके नीचे आ जाना है गाइस, देख सकते हो आपकी यूएसबी ऑन है, सेटिंग ऑन है, दिखाता हूँ ऑन है कि नहीं ऑन है। अगर ऑन नहीं हुई तो कर लूँगा, अगर ऑन है तो आपको दिखाता हूँ, आप भी कर लेना, ठीक है। नीचे आ जाना, नीचे आ जाना, देख सकते हो गाइस फाइनली मेरी तो ऑन है। अगर आपकी ऑन नहीं है तो आप ऑन कर लेना, ठीक है। बैक आ जाते हैं, उसके बाद मार्क डन इसको भी कर देते हैं। उसके बाद करना गाइस, देखो गाइस स्टार्ट पेयरिंग आ चुका है, आपको करना क्या स्टार्ट पेयरिंग क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक कर देते हैं लाइव प्रूफ आपके सामने, स्टार्ट पेयरिंग क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हो गाइस यहाँ पर इनका पॉपअप भी आने लग गया, देख सकते हो आप, हाँ गाइस आने लग गया ना। नीचे आ जाते हैं, ये देखो गाइस यूएस वायरलेस वायरिंग ऑन है, इस पर साइड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आ चुका है ना पेयरिंग वाला, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, यहाँ इसको साइड पे करते हैं पहले। देख सकते हो गाइस यहाँ पर पेयरिंग डिवाइस पेयर कोड, ठीक है गाइस इसको कर लेते हैं ऑन। देख सकते हो गाइस कोड आने लग गया और यहाँ पर दो कोड मांग रहा है, पेयरिंग कोड 6 डिजिट का जो ऊपर लिखा हुआ है और नीचे वाला कोड भी निकालता हूँ आपको डालकर। सबसे पहले आपको करना क्या है, पेयरिंग कोड डालना है 540, यहाँ पर डाल देते हैं 540880880 डाल दिया गाइस, देख सकते हो। पोर्ट नंबर मांग रहा है 5 डिजिट का जो ये लिखा है आखिर में 39501, ठीक है लिख देते हैं 39501, ठीक है इस 39, अरे यार ऊपर डाल दिया, नीचे डालना था, डाल लेते हैं 9501, देख सकते हो डाल दिया गया इस नीचे ऊपर। इसको करते हैं साइड में, अभी इसको इधर ले आते हैं, अब डाल देते हैं पेयर के लिए, ठीक है इस पेयर में देख सकते हो ट्राई पेयर, पेयर का सक्सेसफुल हो चुका है, ADB2 पेयरिंग सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा फाइनली वो हो रहा है एक्टिवेशन। तो देख सकते हो मेंटली एक्टिवेशन कनेक्टेड, ठीक है गाइस देख सकते हो आप, यू आर ऑल सेट आफ्टर रीस्टार्ट कैन, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपने फ़ोन रीस्टार्ट किया तो आपकी एक्टिवेशन मतलब जो ऑफ हो जाएगी, आपको दोबारा से ऑन करनी पड़ेगी। देख सकते हो यहाँ पर पॉपअप आ रहा है, आपको यहाँ पर लिख देना कैंसिल पे, आपको दिखाते सीधे ऐप में जाकर हमारी हुई ऑन हुई है कि नहीं हुई है। गाइस देखा मेंटस बड़ी कनेक्टेड ऑल योर सेट, ठीक है गाइस बैक आकर दिखाते हैं आपको, देख सकते हो गाइस मेंटली इज एक्टिवेटेड। अब मैं आकर आपको कीबोर्ड माउस लगा कर भी दिखाता हूँ, ये भी दूसरा ऑप्शन भी ऑन करके दिखाता हूँ, वेट करो ये मेरा कीबोर्ड माउस चला कर दिखाता हूँ आपको। फाइनली गाइस देख सकते हो आप दूसरा भी गाइस कनेक्टेड हो चुका है, क्योंकि देखो गाइस ये मेरा माउस भी कनेक्ट हो चुका है, आपको देख सकते हो ये मेरा कीबोर्ड भी कनेक्ट हो चुका है, USB आपके साथ दिखा रहा है आपको। गाइस ऐसे आपको करना क्या, गेम ऐड कर लेनी है, जैसे कि मैंने अभी गेम नहीं ऐड की हुई है
गेम ऐड कर लेनी है जाकर गाइस, नीचे जाकर गाइस आपको गेम ऐड कर लेनी है, मतलब मैंने तो गेम ऐड करनी नहीं है अभी, जब करनी होगी आपको दिखा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।